बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे का हर किसी को लंबे समय से इंतजार था, लेकिन साज नाडियावाले की ये फिल्म उस वक्त ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई जब पूरा देश कश्मीरी पंडितों के साथ 32 साल पहले हुए अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हुआ है। जब सिनेमाघर में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ रहा था, जब हर कोई अनुपम खेर, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी की तारीफों के पुल बांध रहा था, जब अभिनेता से लेकर नेता तक हर व्यक्ति द कश्मीर फाइल्स को देखने का आग्रह कर रहा था। जाहिर तौर पर जब दर्शकों के बीच किसी फिल्म को लेकर इस तरह का क्रेज हो तब उनसे किसी और फिल्म की ओर रुख करने की अपेक्षा करना बेकार है। यही कारण हुआ कि अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चन पांडे के आंकड़े कम से कम 25-30% बेहतर होते। हालांकि जिन लोगों ने फिल्म को सिनेमाघर में देखा उनका यही सुझाव था कि ये एक टाइम पास एंटरटेनर है, लेकिन ये वर्ल्ड ऑफ माउथ द कश्मीर फाइल की लहर के खिलाफ दर्शकों को सिनेमाघर तक लाने में नाकाम रही। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि अब बच्चन पांडे का खेल खत्म हो गया। वहीं ट्रिपल आर की रिलीज ने इस फिल्म के स्क्रीन नंबर्स को घटाने में बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से बच्चन पांडे महज 7 दिनों में ही 50 करोड़ रुपए तक ही सिमट कर रहे। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे पहले ही हफ्ते में औंधे मुंह गिरी। ये फिल्म 7 दिनों में 50 करोड़ रुपए कमाने में भी नाकाम रही।